ओम नमो नारायण मित्रों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि इस शिवरात्रि पर आप किस प्रकार अपनी मनोवांछित इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। अगर आपके दिल में किसी के प्रति प्रेम है या फिर कोई अन्य कार्य आपका रुक गया है, उसको आप पुनः स्थापित करना चाहते हैं, या फिर कोई भी ऐसा कार्य है जो आप चाहते हैं कि वह पूर्ण हो जाए और सबके हित में हो, क्योंकि अनहित में किया गया कोई भी कार्य सफल नहीं होता। आपके हित में जो भी कार्य है, वो अगर आपके पास है, आप चाहते हैं कि वह पूरा हो जाए, तो अवश्य ही इस टोटके के द्वारा, इस उपाय के द्वारा वह पूर्ण होगा। तो दोस्तों, देखते रहें हमारी इस वीडियो को। हम जानते हैं हमारी वीडियो बनाने में थोड़ा विलंब हो गया, परंतु हम आपके लिए वही उचित जानकारी लेके आते हैं जो उचित जानकारी आपके लिए एकदम सही हो, सटीक हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी बताया और आप करने लग गए और कार्य नहीं हुआ, तो इसमें ठीक नहीं। तो इस उपाय के लिए आपको 21 बिल्व पत्र की जरूरत है। 21 बिल्व पत्र जो एकदम साफ स्वच्छ हो, जिस प्रकार आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एकदम स्वच्छ बिल्व पत्र जो कहीं से भी खंडित नहीं है। 21 बिल्व पत्र आपने रविवार को लेकर आने हैं। जैसा कि मंगलवार के दिन शिवरात्रि है, आपने 21 बिल्व पत्र रविवार को ही ले आने हैं। रविवार को 21 बिल्व पत्र लाकर लाल पेन की सहायता से, लाल पेन आपको हर जगह मिल जाएगा, लाल शाही पेन या फिर संतरी रंग आता है वो ले सकते हैं। आपने काला या अन्य कोई भी रंग इसमें इस्तेमाल नहीं करना। लाल रंग की सहायता से 21 बिल्व पत्र पर आप ओम नमः शिवाय लिखेंगे। ओम नमः शिवाय, तीनों तरफ आपने लिखना है, इस तरफ भी ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, इस प्रकार आप तीनों तरफ ओम नमः शिवाय लिखेंगे। और सोमवार के दिन, मैंने इसीलिए रविवार को ओम नमः शिवाय इस बिल्व पत्र पे लिखवा दिया है, ताकि सोमवार को बिल्व पत्र नहीं तोड़ते और आपको कहीं फायदे की जगह नुकसान ना हो जाए। आप रविवार को ही यह कार्य कर लीजिए। अब सोमवार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, इस कार्य में आपको थोड़ा सा अपना समय देना है और मनोवांछित इच्छा आपकी पूर्ण होकर रहेगी। सोमवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपने संस्कारित रुद्राक्ष की माला द्वारा 11 माला का जाप करना है। ये बहुत ही सटीक मंत्र है अपनी इच्छा पूर्ण करवाने का। यह मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मंत्र एकदम ध्यान से सुने, आपको स्क्रीन पर भी दर्शाया जा रहा है। इसको अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बहुत ही सरल एवं सटीक मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है मित्रों, ओम हंस सोहम परम शिवाय नमः। ओम हंस सोहम परम शिवाय नमः। इस प्रकार आपने इस मंत्र का जाप करना है 11 माला। 108 मनकों की माला होती है, वही आपने 11 माला का जाप करना है। उसके उपरांत इस बिल्व पत्र को सोमवार को ही ले जाकर आपने शिवलिंग पर चढ़ा देना है, और अपना जल जो आप नियमित चढ़ाते हैं, अगर नियमित नहीं चढ़ाते तो उस सोमवार को आपने जो जल आपने चढ़ाना है वह चढ़ा देना है। और अगले दिन शिवरात्रि के दिन पूर्णतः आपने उस शिवलिंग की पूजा करनी है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि आपके मंत्र उच्चारण द्वारा जो मैंने कार्य सफलता के लिए कार्य किया है, मंत्र उच्चारण किया है, वह पूर्ण करे, उस कार्य को सफल करे। यह छोटा सा कार्य आपने करना है और आप देखिए किस प्रकार आपका कार्य
सफल होता है। इसमें बात आती है आपके पूर्ण सामग्री की और दिशा की। आपकी दिशा रहेगी इसमें पूर्व, और लाल आसन का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, पूर्व दिशा की ओर अपना मुख कर सकते हैं। अगर आपके पास संस्कारित रुद्राक्ष माला नहीं है तो माला को किस प्रकार संस्कारित करना है यह भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अन्यथा कार्ड में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं कि माला का आपके जीवन में अन्य कोई और समस्या है या किसी समस्या का आप निवारण ढूंढ रहे हैं, आप निवारण चाहते हैं, तो हमारे द्वारा दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, हमसे उस समस्या का समाधान पूछ सकते हैं और हमसे वह कार्य करवा सकते हैं। मित्रों, समय अवधि हमने बताई हुई है सुबह 10 से शाम 4 बजे तक की, शनिवार को। अन्य दिन 11 से 2 बजे तक आप हमसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी बताने के लिए कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही विचित्र जानकारियां आपको हमेशा मिलती रहे। तो हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य टोटके के साथ, किसी अन्य नुस्खे के साथ। तब तक के लिए ओम नमो नारायण।